अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जो है ना, मैंने बस हुसैन के लिए रोटी बनाई है, सालन ओवन में रख दी, और मैं जा रही हूँ हुसैन को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आज हुसैन की प्राइवेट क्लास भी है। बस हम हुसैन लंच करेगा और फिर हम अपनी क्लास पर चले जाएंगे। और आज मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, इस तरह से समझ लें कि मेरा इम्तिहान ही है, एग्जाम है, और वो कोमल ने लेना है। वो इस तरह से कि मैं और कोमल और हुसैन हम जाते हैं हुसैन की क्लास के लिए, वो बदाल वाली साइड पर है तो यहाँ से दूर है। तो ये होता है कि जब कोमल या नैना या अम्मी लोग साथ हो ना, तो मैं इतना रास्तों को बॉदर नहीं करती। पता होता ही आगे आगे होते पीछे पीछे चले जाते हैं, मुझे आए हुए भी साल हुआ है, तो यह है कि मैं इतना नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि कोमल को इमरजेंसी जाना पड़ा, तो नेक्स्ट वीक से, अभी नैना ने भी क्योंकि वापस नहीं आना, तो नेक्स्ट वीक से जो क्लास है ना, वो मैंने और हुसैन ने अकेले जाना है लेने के लिए, क्योंकि हमें मेट्रो पर जाना होता है और अम्मी नहीं मेट्रो में बैठती क्योंकि उन्हें घुटन का इशू है। तो आज मैंने इनको बताया कि मुझे रास्ता याद है, पर इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम कभी लेके नहीं गई तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आज ये है कि मैंने और हुसैन ने आगे आगे चलना है, कोमल ने हमें फॉलो करना है, और हमने कोमल को लेके स्कूल पहुंचना है। तो उम्मीद तो है कि मैंने ठीक ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे रास्ता भी सारा याद है, गलियां भी पता है, मेट्रो भी पता है, नंबर्स भी पता है, चाहे मैं ना भी बॉदर करती हूँ लेकिन मुझे पता है सब कुछ, ये याद भी है। तो आज जो है ना, देखिए अब हम अपने इम्तिहान में कितना कामयाब होते हैं, मैं और हुसैन ठीक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। तो चलते हैं, हुसैन को लाते हैं, रेडी करके निकलेंगे, और जो जो भी आज के दिन की रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम कितना कामयाब हुए हैं वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। तो जो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। हमारे पास बारिश भी काफी सारी हो रही है, कपड़े वगैरह अब डोर्स पे आए हुए हैं, जरा जल्दी खुश्क हो जाएंगे। बाला जी चले, हुसैन का टाइम हो गया, हुसैन को लाते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा नहीं, अभी हम, हाँ हमने कॉल ब्लॉक ही जाना है, और ये ट्रेन जो है ना अंडरग्राउंड है, और इसका ड्राइवर नहीं है, ये बोथ साइड से चल जाती है, इधर से भी उधर से भी, और इसका ना ऐसा व्यू आता है उधर मूवीज वाला, हॉरर मूवीज वाला भी। और ऐसी ट्रेन को मुझे याद है जब हम वो खेड़ा माइंस गए थे, वो ट्रेन भी बिल्कुल इसी तरह अंदर चलती थी। तो ये है कि अम्मी नहीं इसमें बैठती, अम्मी और कोमल के साथ आपको पता है कि इंसिडेंट भी ऐसा हुआ है। बस हमारे तीन चार स्टॉप है यहाँ से, फिर हम वहाँ उतरेंगे, और फिर हुसैन का आज मैं आपको स्कूल भी दिखाती हूँ, डॉक्टर का जो नाम है। एस्केप रूम देखी वो जो नई ट्रेन वाली आई है? नहीं, उसमें यही सब हुआ, यही सब हुआ था, बस वो ना ही देखे तो मैं देखती थी, सेम ऐसे ही थी वो। यार असल में हर चीज मैं कहती हूँ, जो अब आप देखते हो नीचे बहुत है, बहुत माइनस के नीचे आए हुए फ्लोर्स पे। भैया वहाँ बैठे हैं आराम से, बस उस हैंड को सीट मिल जाए, फिर उसकी टेंशन भी नहीं होती है। गेहूं क्यों खा रही हो? मैंने आपको क्या कहा है? पियो पानी, आप पियो पानी मेरी बेटी। मम, हाँ मम, मम कौन सा? नहीं उसमें मम नहीं पीना, वो आपने तोड़ना है। आपका कितना प्यारा है ये कप, बॉटल कितनी प्यारी है, सिपर अच्छा है, वो टूट गया, वो खराब हो गया। हाँ जी, सबने आपको इतनी विशेष दी थी जो आप मॉल में गुम हो गई थी ना, अब हमने फैसला किया कि आईंदा आप घर ही रहोगी। क्यों नो, अब आपने घर ही रहना है। अच्छा चलो, आप ये बताओ कि आप क्या इस किधर है? शाबाश, नोज किधर है? और आपके लिप्स किधर हैं? टीथ किधर हैं? शाबाश। और आपके हेयर्स किधर हैं? हेयर्स किधर हैं? नहीं, नेल्स किधर हैं? नेल्स। हैंड्स किधर हैं? हैंड्स। फिंगर्स किधर हैं? वेरी गुड गर्ल, यहाँ फातिमा को तो बहुत कुछ आता है, हाई फाइव, गुड गर्ल। अच्छा, अब विंग्स खाने आई हैं? विंग्स दूँ आपको? अब हयाम फातिमा की ये बॉटल जी, ये बहुत ही प्यारी है। अच्छा जी, मैंने ना ऑनलाइन ना इनकी एक ये बॉटल और मंगाई है, एक ये वाली और मंगवाई है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और हुसैन की जो है ना, ये असल में स्पेयर बॉटल्स मंगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जब बच्चे ख़राब कर लेना, या जिस तरह देखे ना, ये हुसैन के स्कूल बॉटल थी, इसका कलर फेंट हो गया, मैंने सेम ऐसी ही ना दोबारा हुसैन का नाम लिख के वो चेंज कर दी है, ठीक है, ये घर के यूज़ के लिए हो गई है। और ये बॉटल ना ये ज़्यादा इसलिए होती है, कभी ये तोड़ देते हैं, कभी इसका जो है वो स्ट्रॉ ख़राब हो गया, कभी सिपर ख़राब हुआ, तो फिर ना ये काम आती रहती हैं, गाहे बगाहे ना मैं मंगवा के रखती हूँ। चलें जी, ये अब संभालते हैं बॉटल्स, फिलहाल जो एक एक दो दो इन्होंने लगाई हुई हैं वही ठीक है। हयाम के माशाल्लाह बाल बड़े प्यारे होते जा रहे हैं, अब हमने दो पोनियाँ करते हैं कि इसके बाल जो है ना वो अच्छे रहे। यहाँ मैंने विंग्स निकालने हैं, मैंने बच्चों के जो विंग्स है ना वो करने हैं मैरिनेट, और सिंपल मैरिनेशन है, कुछ अभी इन्हें बना दूंगी। बच्चों के ना मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ विंग्स में वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
अच्छा जी, अब ना मैं विंग्स में क्या चीज़ें डालती हूँ और ये बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं, मैं अक्सर आपको फ्राइंग दिखाती हूँ। 2 kg विंग्स हैं मेरे पास वहाँ पे ना, और मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया था। यहाँ ये होता है विद स्किन भी मिलते हैं जी, अच्छा देती हूँ, विद स्किन भी मिलते हैं विदाउट स्किन, मुझे स्किन वाले विंग्स नहीं पसंद है। तो भले 2 kg विंग्स हैं मेरे पास, इसके अंदर जो है ना मैंने 2 teaspoon भर के नमक डाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 1 teaspoon सुर्ख मिर्चें डाली, क्योंकि यहाँ की मिर्चें जो है ना इतनी तेज़ भी नहीं होती, कलर बस ज़्यादा होता है। 1/2 teaspoon हल्दी डाल लिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये लहसुन पाउडर है, ये वाला जो अदरक लहसुन चॉप करके या पेस्ट में बना के डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ना बच्चों के लिए ये ठीक है। लहसुन पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है, अदरक लहसुन चॉप करके डालें, पेस्ट डालें वो भी डाल सकते हैं, और 1/2 जो है ना वो मैंने लेमन डाला है। नमक, पिसी हुई सुर्ख मिर्चें, हल्दी, लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पाउडर सॉरी, और साथ 1/2 lemon, आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बस सिंपल मैरिनेशन है, 5-5, 6-6 विंग्स के मैं पैक बना के रख देती हूँ, निकालती हूँ, समटाइम्स इन्हें ग्रिल कर देती हूँ, समटाइम्स ऐसे ही फ्राई कर देती हूँ, और समटाइम्स जो है ना अंडे और मैदे की कोटिंग के साथ ना इन्हें वो फ्राइड चिकन टाइप जैसे फ्राइड विंग्स होते हैं वो बना देती हूँ। बस इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, पैकेट्स बनाऊँगी, अब इनके खाने के लिए बस बना लूँगी। हाँ जी, कितना सारा पानी पी लिया, विंग्स कैसे खाएंगे आप? चलें ठीक है, आप सबको बाय बाय कर दें। बाय कैसे करते हैं? बाय बाय करो। चलो ठीक है, मैंने मामा ही कोई नहीं बनी, शाबाश। बच्चों के विंग्स के बाद जो है ना घर में पकोड़ों की तैयारी चल रही है। आजकल दिन ऐसे चल रहे हैं, कोमल ने जाना है, जो कोमल को मेरे हाथ का पसंद है वो मुझे कहती है मैं बनाती हूँ, जो हमें कोमल के हाथ का बहुत पसंद है वो हम कोमल से कहते हैं। आजकल फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कोमल पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है, और हमारे पास बारिश भी कल से हो रही है, तो आज हमने सोचा है मौसम भी है पकौड़ों वाला, प्याज आलू और पालक के पकौड़े। अभी कोमल ने बेसन में ना सिर्फ प्याज और पालक डाली है, अभी बाकी जो जो चीज़ें डालेगी ना मैं दिखाऊंगी। बच्चे अपना विंग्स और खाना लेके अंदर चले गए, विंग्स अच्छे बन गए हैं, अभी कुछ विंग्स हम भी खाएंगे, बच्चों का दिल कर रहा है, जो बड़े बच्चे हैं घर में। तो अभी आपने स्पाइसी वगैरह बस सारी चीज़ें डालनी है, नमक डालना है, मिर्चें डालनी है। तो इस दफा हम रमजान में अगर यहाँ हुए तो हम एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। अफतारियाँ कितनी अच्छी, पिछले जिंगर चिकन खिला दी है। हाँ जी, मैंने आपको जिंगर चिकन खिला दी है, जिंगर चिकन अच्छा बना था, अभी अच्छा बना था, अच्छा बना था ना। हाँ, असल में बच्चों की वजह से हमारे हाथ ना स्पाइसेस पे होला हो गया, लेकिन अब हम अपने तेज तेज डालते हैं, कुछ यहाँ के स्पाइसेस बहुत ही लाइट है, पाकिस्तान की तरह मिर्चें नहीं लगती। तो अभी ये सारा रेडी करते हैं, बैटर फिर मिलते हैं। चलें जी, कोमल ने इसके अंदर जो है ना नमक और तंदूरी मसाला, पिसी हुई सूख मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और अनारदाना, साबुत धनिया थोड़ा सा कूट के, आलू, पालक, प्याज और बेसन, बेसन थोड़ा जाता है, इतनी सारी चीजें होती हैं। हम वो लेके आए थे कल, हाँ, लहसुन पाउडर जो मैंने पहले दिखाया ना बीन्स जब मैरिनेट किया वो डाला है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। हाँ, उसकी खुशबू देखो यहाँ तक आ रही है, खुशबू देखा ना, खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है उसका। तो बस ऑयल जो है ना यहाँ पे गर्म हो रहा है, अभी हम पकौड़े बस फ्राइंग स्टार्ट करेंगे मिक्स करके। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे दूसरा फूल डाला जा रहा है। अच्छा कोमल ने ना बेसन कम डाला, और आप देखते हैं बेसन कम डालने की वजह से ना कितने अच्छे लच्छेदार और इंतहाई क्रिस्पी हैं, टेस्टी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे इनका दिल किया विंग्स खाने को, तो हम अपने लिए ना थोड़े से विंग्स, हमने स्पाइसी भी नहीं है, फिर हम सही थी पार्टी का, पार्टी मेरी डाइट भी ख़राब की है, लेकिन मैंने कहा चलो कोमल ने चले जाना है, फिर स्टार्ट करूँगी, कुछ ना कुछ खाया पिया जाता है। तो बारह जी हमारे पकौड़े भी हो गए रेडी, विंग्स भी हो रहे हैं रेडी, ये खा के हम लोग अपनी फिर अच्छी सी चाय बनाएंगे। इतनी चलाक है, विंग्स खाते ही ना, अब पकौड़े आ गए तो फौरन से पकौड़ों के पास पहुंच गई है, ये देख ले। चलें जी, आज का व्लॉग आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, और जो मेरा आज इम्तिहान था ना स्पेशली समझे कि जिसमें मुझे मेरा पास होना आज बड़ा ज़रूरी था, तो उसमें मैं कामयाब भी रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बंदा ध्यान बेशक ना भी देना रास्तों पे, लेकिन पता तो होता है कि किस जगह कैसे जा रहे हैं। तो यह कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेके भी गई हूँ कोमल और हुसैन को, और वापस भी लाई हूँ। वैसे तो माशाल्लाह 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 हुसैन जिस रास्ते से एक दफ़ा गुजर जाता है ना, हुसैन वो गलियां वो रास्ते बिल्कुल भी नहीं भूलता। हुसैन को भी माशाल्लाह पता है कि मेरी क्लास किधर है,
मतलब एक दो जगह से अगर गलत भी टर्न हम और हम इसे चेक करते हैं लेने, इसको अपने हॉस्पिटल का, अपने स्कूल का, अपनी क्लासेस का, हर चीज का माशाल्लाह इसे रास्ता आता है। मतलब अगर हम कोशिश करें कि हम कोई गलत टर्न लें तो ये हम एग्जैक्ट घुमा के वहीं लेके जाते हैं। तो आज का दिन अच्छा रहा, हुसैन की क्लास भी अच्छी हो गई, खाना पकाना भी हो गया, मटन बाद में बनाया था, खाना सबने खा लिया, और उसके अलावा बच्चों के साथ बस सारा दिन बिजी गुजर गया क्योंकि वीकेंड है तो बच्चे जो है ना वो फुल जो है ना जोबन पे आए हुए हैं, शरारते ये वो सब कुछ। तो बस कोमल की तैयारी भी साथ चल रही है ऑलमोस्ट बस, और पैकिंग ऑलमोस्ट उसकी भी कंप्लीट हुई खड़ी है। तो बाकी आज वाला दिन सक्सेसफुल रहा। अब यह है कि नेक्स्ट वीक से मैं और हुसैन अकेले जाया करेंगे और हम सही आ जाएंगे, चले भी जाएंगे, क्योंकि सबको फिक्र थी कि अकेली मैं कैसे जाऊंगी कैसे हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जरा कम बाहर निकलती हूँ, ज्यादा सब साथ होते हैं तो मैं इतना फिर वो बॉदर भी नहीं करती रास्तों को, चीजों को। लेकिन यह कि मुझे याद था, सब खुश थे कि नहीं ये ठीक ठीक ले गई और सही आ गया। तो नेक्स्ट वीक से हम दोनों जाया करेंगे इनशाला और ठीक आए जाएंगे। तो आज हम कामयाब हो गए हैं जी। तो बस ये थी आज की वीडियो, आपसे हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।